बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़फ़र इकबाल और आप लोग देख रहे हैं फैमिली यूट्यूब चैनल ज़फ़र इकबाल ऑफिशियल। मैं इस वक्त कोडली की मशहूर जगह सारदा व्यू पॉइंट पर मौजूद हूँ और बहुत शदीद पहले गर्मी थी लेकिन अभी बारिश हो रही है और जो बारिश के बाद जो यहाँ का मौसम है वो बहुत ही ठंडा हो चुका है। तो यहाँ में अभी आपके सामने देखिए, यहाँ पर कश्मीर का ये फ्लैग है, ये भी आपको यहाँ पर उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ सारदा व्यू पॉइंट पर, क्योंकि ये कोडली की बहुत ही हाइट वाली जगह है और यहाँ पर इस वक्त तो बहुत ही गर्मी थी कोडली शहर में, लेकिन बारिश के बाद यहाँ का मौसम इंतहाई ठंडा हो चुका है। और अभी आप लोग यहाँ मेरा कैमरा मैन आपको कोडली शहर का व्यू भी दिखा रहे हैं, ये भी आप लोग कोडली शहर को भी देख सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त बारिश हो रही है और जो शदीद गर्मी का मौसम था वो गर्मी ख़त्म हो चुकी है और अभी यहाँ पर ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पर सर्दियाँ वापस लौट के आ चुकी हैं। तो ये भी आप लोग सामने देख सकते हैं इस वक्त कोडली शहर का नज़ारा, जो कि शदीद गर्मी के बाद इस वक्त जहाँ का मौसम इंतहाई ठंडा हो चुका है और इस वक्त बारिश तो नहीं है लेकिन यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी बूंदाबांदी हो रही है और मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। उम्मीद है कि आपको आज की ये मेरी वीडियो जो कोल्डी के सर्द मौसम के हवाले से आई, गर्मी के बाद अभी जो बारिश हो रही है, पसंद आएगी। अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। यह अभी आप लोगों के सामने कोल्डी शहर का नज़ारा, इस वक्त मैं सारदा व्यू पॉइंट पर मौजूद हूँ। चूँकि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर जून का महीना है और बहुत ही गर्म किस्म का मौसम था, पिछले दिनों में इंतहाई शिद्दत की गर्मी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया है, मेहरबानी की है और यहाँ पर इस वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और इसकी वजह से यहाँ का मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है, यानी कि ठंडा सर्दी महसूस हो रही है। तो ये भी आप लोग सामने देख सकते हैं, ये पूरा कोल्डी शहर आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस वक्त बारिश भी हो रही है जिसकी वजह से काफ़ी मौसम बेहतर हो चुका है। यह भी आप लोगों के सामने देखें कोल्डी शहर का नज़ारा, आपको यहाँ से वाजह अंदाज से किया जा सकता है। तो सारदा व्यू पॉइंट पर मौजूद है, यहाँ पर एक भाई साहब भी मौजूद है, अभी उनसे भी बात करेंगे ये कहाँ से आए। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अरसलान है। अच्छा अरसलान साहब, अरसलान साहब ये आप बताएंगे आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं कराची से आया हूँ घूमने के लिए। अच्छा, मैं भी कराची में रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, मैं भी कराची की बड़ी यादें हैं मेरी। 1996 से लेकर 2000 तक कराची को मैं ओवरऑल अहमदा जानता हूँ। मैं महमूदाबाद से लेकर मंसूर कॉलोनी तक और कायदाबाद, तो जहाँ कहाँ की मैं बात करूँ मैं, तो अलहमदुल्ला कोल्ड जितना मैं कराची को जानता हूँ, शायद जितना कश्मीर को नहीं जानता हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि आप कब यहाँ तशरीफ लाएँगे? मैं आज ही आया हूँ। अच्छा आप कहाँ पर रहते हैं कराची में? जनाब मैं कराची में पूछा रहता हूँ, गुलशन इकबाल में। मेरा वहाँ पर ही कॉलेज था, उर्दू साइंस कॉलेज, मैंने वहाँ से BSc की है, बड़ी अच्छी यादें हैं मेरी। तो बात यह कि अभी आपको यहाँ कश्मीर में आप आए, तो यहाँ का कैसा मौसम लग रहा है आपको? सुना था कि कश्मीर जन्नत है, मगर देखने में जन्नत से ज़्यादा अच्छा है। अच्छा माशाल्लाह जी, कहते हैं यानी कि यहाँ का आपको जो आज बारिश हो रही है, पहले तो काफ़ी गर्मी थी, कराची के अंदर तो बहुत गर्मी है अभी, यहाँ इतना प्यारा मौसम है, इतना अच्छा है यहाँ पे अभी। अच्छा जी, यहाँ पर मौसम माशाल्लाह इनके बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आपने क्या महसूस किया है यहाँ पर आके? ये पाकिस्तान से बहुत अलग है। अच्छा अच्छा, ये कश्मीर बहुत इधर व्यूज जो है यहाँ के बहुत अच्छे व्यू हैं, यहाँ के पिकनिक पॉइंट्स वगैरह के लिए, और यहाँ का बहुत वेदर जो है, यानी कि वेदर कंडीशन यहाँ की बहुत अच्छी है। यहाँ के आवाम के साथ आपका कोई इंटरेक्ट हुआ होगा, कैसा महसूस किया? अच्छे लोग हैं कश्मीर में, बहुत अच्छे लोग हैं, इखलाकी तौर पर भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा लगता है मिलकर लोगों से। माशाल्लाह जी, आपको मौसम कम हम आप कहते हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर घूमें फिरें, इंजॉय करें, बड़ा अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा इस वेदर से आप लोग इंजॉय करें, बहुत अच्छा मौसम है। पाकिस्तान में बहुत गर्मी है अभी इस वक्त, यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है, चारों तरफ फ्रेंडली है, बहुत अच्छा। थैंक यू जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़।